तो मंचूरियन एक ऐसी रेसिपी है जो हर कोई खा सकता है और सब कोई को पसंद भी आता है। इसे पराठे के साथ, नान के साथ, रोटी के साथ इजी खा सकते हो और बहुत टेस्टी भी लगता है। तो आज हम लोग इसी की रेसिपी बनाएंगे। तो मैं ली हूँ एक पत्ता, आधा पत्ता गोभी ली हूँ। उसको अच्छे से कद्दूकस करके उसको साइड में नमक डाल के रख देना है ताकि उसमें जितना भी वाटर निकले उसको निकाल के रखेंगे। उसके बाद मैंने वेजिटेबल को कट कर लिया है, जैसे कि शिमला मिर्च, टमाटर। तो ये मैं वेजिटेबल कट कर रही हूँ। उसके बाद चिली, ग्रीन चिली, दो चिली कट करेंगे। आप अपने टेस्ट के अनुसार 3, 4, 5 ये भी दे सकते हो, और क्वांटिटी के हिसाब से ही पड़ता। तो मैं ज़्यादा नहीं बनाई थी, मैं कम ही बनाई थी, तो इसके हिसाब से मैंने 2 ही डालो। और लहसुन का पत्ता अगर अवेलेबल हो आपके पास तो आप डाल सकते हो, नहीं अवेलेबल तो कोई कोई बात नहीं है। ये मेरे घर में था तो मैंने डाल दिया ऐसे ही। और प्याज वगैरह, लहसुन को कूट के भी डाल सकते हो या आप कट करके भी डाल सकते हो। तो उसके बाद इसका मैंने पानी निकाल दिया था। उसके बाद जितने वेजिटेबल सब काटे थे, अदरक, लहसुन, गाजर भी थोड़ा सा मैंने दिया हुआ था, क्योंकि गाजर घर में बहुत सारे कम थे तो मैंने थोड़ा सा दिया था। वो आपको दिख भी नहीं रहा होगा शायद। उसके मैं सारे मसाले मैंने दिए, नमक, हल्दी, मिर्च, थोड़ा सा जीरा पाउडर है तो वो भी आप डाल सकते हैं। उसका मैदा, कॉर्नफ्लोर, ये सब डाल के आप अच्छे से मिक्स करके इसका छोटा छोटा बॉल बना लेना। एकदम सूखा लगेगा आपको, इसमें गीला नहीं करना है आपको, नहीं तो आपका मंचूरियन अच्छा से क्रिस्पी नहीं हो पाएगा। तो इसको अच्छे से छोटे छोटे बॉल बना के इसको गरम तेल में अच्छे से रेड गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर लेना है, ताकि ये जब ग्रेवी में जाए तो क्रिस्पी लगे। और मेरा बॉल बहुत क्रिस्पी था, ये मंचूरियन का बॉल बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हुआ था। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जाके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। और ये देखिए बॉल रेडी हो गया। अब इसकी ग्रेवी बनाएंगे। इसमें अदरक, मिर्च, लहसुन, सूखी मिर्ची, और सूखी मिर्च भी डाल सकते हैं इसमें, अगर आपके पास ग्रीन चिली नहीं है तो, क्योंकि ये ऑप्शनल है, इतना कोई वो फ़र्क नहीं पड़ता है। थोड़ा नमक डाल के सारे वेजिटेबल को गला लेना है अच्छे से। उसके बाद सारे मसाले ऐड कर देने हैं आपको। थोड़ा सा अजीनोमोटो डाल दीजिएगा, जिससे आपको एकदम बाजार जैसे टेस्ट आएंगे। उसके बाद आपके घर में सॉस होगा वो डाल दीजिएगा, ग्रीन चिली सॉस, सोया सॉस, रेड सॉस, ये तीनों डाल के अच्छे से आप इसको भून लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर का आप एक कटोरी में पानी लेके थोड़ा सा घोल के आप उसको, आप क्वांटिटी के हिसाब से डाल सकते हैं, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला हो, ऐसा टाइप का आप डाल दीजिएगा। बहुत ही टेस्टी मंचूरियन बने हुए थे, आप लोग भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि मेरा मंचूरियन आपको कैसा लगा। देखिए ये मंचूरियन बनके रेडी है। अब मैं तो जा रही हूँ खाने के लिए। तो आप लोग को पसंद आ रहा है मेरा ब्लॉग तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, चैनल पे नए हैं तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको जो चीज़ की भी रेसिपी चाहिए आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा। बाय बाय।